डर क्या है, कैसे इसे हमेशा के लिए मन से बाहर निकाले या इसको खुशी में कन्वर्ट करे, क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम डर को मानते हैं तो हमें निडरता को भी मानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते, हरि भक्ति चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि डर है। पहले तो डर के लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए डर को जानना बहुत जरूरी है, डर को पहचानना जरूरी है, क्योंकि उस पर ही सॉल्यूशन हमें निकालना है। कोई लोगों को डर में ही जीने की इतनी आदत हो जाती है कि उन्हें डर की स्थिति नेचुरल लगने लगती है, डर में ही जीने में उन्हें आनंद आता है। लेकिन डर में ही जीना हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो परिस्थिति से, भूतकाल, वर्तमान या फिर भविष्य को लेकर भी हो सकता है। इसलिए जिन्हें हमेशा भय लगता है उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डर को या भय को एक बार देखते हो और स्वीकारते हो कि हाँ, ये डर है, डर और मैं अलग अलग हूँ। डर को बार बार देखने से वो अपना प्रभाव कम करता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब डर जैसी कोई वस्तु या बात नहीं, ऐसा लगने लगेगा। डर संसार से चला नहीं जाएगा, पर आपके लिए वो डर डर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। केवल डर को देखना है, उसे छेड़ना नहीं है, केवल है को देखना है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसे कोई आवाज आती है। रात्रि का समय था, इसलिए वो महल से धीरे धीरे आवाज की तरफ आ जाता है। वो देखता है कि एक चोर खिड़की से उसके ही कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास करता है। चोर ने राजा को नहीं देखा, इसलिए उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो सामान चोरी कर एक एक वस्तु अपनी थैली में डाल रहा था। राजा तुरंत अपने कक्ष में आया और देखा तो चोर अपने ही धुन में चोरी कर रहा था। जब राजा ने उसे आवाज दी तो उसने पलट के देखा कि राजा ने तो देख लिया है, अब कोई खैर नहीं, अब तो निश्चित ही सजा है। यह सोचकर थैली वही छोड़ के खिड़की से बाहर दौड़ा। तात्पर्य, जब उस चोर को लगा कोई नहीं देख रहा हमको, तो वो भीतर जाने लगा, पर जब उसे पता चला कि कोई देख रहा है, तुरंत वहां से फरार हुआ। ठीक ऐसे ही राजा जैसे हमें इस चोर को, मतलब इस डर को या भय को आते हुए देखना है। जब भी ये आए उसे तुरंत कहिए, तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं। डर को हम ही स्थान और नाम देते हैं, क्योंकि किसी चीज से हमको डर लगता है तो वही चीज से सबको डर लगना चाहिए, अगर असल में किसी विशिष्ट परिस्थिति में डर हो तो। लेकिन हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छा से चीज़ों में हम डर जाते हैं, जिससे कि हम गलत सोचने लगते हैं, और गलत सोच गलत कर्म को अंजाम देती है, जन्म देती है, और गलत कर्म से गलत फल की प्राप्ति। इसलिए हमारे सामने डर बहुत छोटा है, उसे हम बार बार दोहरा के बड़ा बनाते हैं, और फिर डर ही हमारे जिंदगी के फैसले लेने लगता है। अब सोचिए, डर ही हर फैसले का मूल हो तो क्या जिंदगी में खुशी या आनंद रहेगा? डर तो अपने साथ और कई आपतजन को ले आएगा, इसलिए डर कोई समस्या नहीं। हमें डर को देखना है, एक बार में डर नहीं चला जाएगा क्योंकि पुराना है। हाँ, पर धीरे धीरे इसकी तीव्रता जरूर कम होगी, आपको यह अनुभव भी हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम आंतरिक परिस्थिति से भागते रहते हैं, कौन करेगा, कब देखूं, पर हमें इसके लिए अलग सा समय नहीं देना है। बहिर्मुखी तो हम रहते ही है, उसी वक्त हमें अंतर्मुख होना है, मतलब वो देखना है बस। तो आज तक इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे ही जीवन से संबंधित ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू।